घोर तपस्या और कई सालों के बाद आखिर शिवांगी और विराट के मिलन की रात आ ही जाती है और दोनों अपने नाग रूप में जंगल में जाते हैं और वहां पहुंचकर वो वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद शिवांगी विराट से बोलती है, आखिर वो रात आ ही गई जिसका हमें कब से इंतजार था। हाँ शिवांगी, कल हमारे मिलन की रात है, कल हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद शिवांगी विराट से बोलती है, विराट हमारे मिलन की रात तो कल है, तो फिर आज हम पूरा दिन क्या करेंगे? आज हम इंसानों की तरह घूमेंगे फिरेंगे। अच्छा, तो फिर ले चलो मुझे। इतना बोलकर दोनों अपना नाग रूप लेकर जंगल से बाहर निकलकर एक मार्केट में जा पहुँचते हैं, जहाँ जाकर दोनों सबकी नजरों से छुपकर इंसानी रूप को धारण करते हैं और इंसानों के बीच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सी औरतें करवा चौथ का सामान ले रही थी। ये सब देखकर शिवांगी एक चूड़ी वाले के पास जाती है, जहाँ वो एक औरत के हाथ में कलश, फूल माला और पूजा का कुछ सामान देखती है और उससे बोलती है, अरे बहन जी, आपके हाथ में तो पहले से ही इतनी सुंदर चूड़ियाँ हैं, फिर आप ये नई चूड़ियाँ क्यों ले रही हैं? और आपके हाथ में इतना सारा सामान, आप भोलेनाथ के भक्त हैं क्या? अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या कि कल करवा चौथ है? करवा चौथ? ये क्या होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैंने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं किया। ऐसा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये करवा चौथ औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और ये एक निर्जला व्रत होता है, जिसमें पूरे दिन पत्नियाँ भूखी प्यासी रहकर रात में अपने पति को देखकर पूजा करके उनके हाथों से अपना व्रत खोलती हैं। वो औरत शिवांगी को करवा चौथ के बारे में अधूरी जानकारी देकर चली जाती है। ये सब जानकर शिवांगी के मन में भी करवा चौथ करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसके बाद दोनों अपना नाग रूप लेकर शिव मंदिर में जाते हैं, जहां विराट शिवांगी को शांत देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ शिवांगी, मैं देख रहा हूँ जब से तुमने उस औरत से बात की है तब से तुम कुछ सोच रही हो। विराट, कल हमारे मिलन की रात है और कल ही करवा चौथ भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखूं। शिवांगी, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, पर क्या तुम्हारा करवा चौथ का व्रत रखना सही है? ये इंसानों की दुनिया में होता है और हम तो नाग नागिन है, हमारा तो पहले से ही 100 जन्मों का साथ है। इंसानों का साथ भी तो 7 जन्मों का होता है, फिर भी वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, अगर तुम ये व्रत रखना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि कल जब हमारे मिलन का समय हो तो मैं तुम्हें मेरी दुल्हन के रूप में देखूं। शिवांगी उसकी ये बात सुनकर शर्मा जाती है और कुछ देर बाद दोनों शिवजी की पूजा करके एक साथ मार्केट में जाते हैं। दोनों एक चूड़ी वाली के पास जाते हैं और शिवांगी उससे बोलती है, अम्मा जी, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है तो इसके लिए मुझे कौन सी चूड़ियाँ पहननी होंगी? बेटा, तुम पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ अम्मा जी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता कि करवा चौथ पर कौन से कपड़े पहननी है, कौन से रंग की चूड़ियाँ पहननी है। क्यों बेटा, तुम्हारे घर पर कोई औरत नहीं है क्या जो तुम्हें इस व्रत के बारे में बता सके? हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, इस व्रत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो तो भला हो सुबह एक नेक औरत का जिसने मुझे इस व्रत के बारे में बताया। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें इस व्रत के बारे में कुछ तो पता है, तुम्हारी मासूमियत देख के तो मुझे लगा था कि तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं होगी। और हाँ बेटा, तुम इस व्रत में काली और नीली चूड़ियाँ छोड़कर कोई भी रंग की चूड़ी पहन सकती हो। चूड़ी वाली की ये बात सुनकर विराट खुश हो जाता है और चूड़ियों के ढेर में से एक चूड़ी का बंडल उठाकर शिवांगी से बोलता है, ये बढ़िया है शिवांगी, फिर तो तुम मेरी पसंद की ही चूड़ियाँ लेना। अच्छा, तो फिर बताओ कौन सी चूड़ियाँ पसंद है तुम्हें? विराट उस चूड़ी के बंडल को नीचे रखकर दूसरी चूड़ियों को पसंद करता है और उनमें से एक चूड़ी पसंद करके चूड़ी वाली से बोलता है, अम्मा आप ना ये वाली चूड़ी दे दो, मेरी शिवांगी की गोरी गोरी कलाइयों पर ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। चूड़ी वाली उसकी मन पसंद की चूड़ी को एक छोटे से बॉक्स में पैक करके विराट के हाथों में थमा देती है, जिसे लेकर विराट और शिवांगी बिना पैसे दिए ही वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर चूड़ी वाली उन्हें आवाज लगाकर रोकती है
और बोलती है, अरे बेटा मेरे पैसे तो देते जाओ। पर हमारे पास तो पैसे नहीं है। बेटा तुम दोनों अच्छे दिखते हो, अच्छे घर से मालूम पड़ते हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं बेचारी चूड़ियाँ बेचकर अपना घर चलाती हूँ और मेरे घर पे एक बीमार बहू भी है, उसको भी देखने जाना है। देखो ऐसा मत करो, मुझे पैसे दे दो। चूड़ी वाली की बात सुनकर शिवांगी उदास हो जाती है और अपनी चूड़ियाँ चूड़ी वाली को देते हुए बोलती है, अम्मा जी एक काम कीजिए, आप ये चूड़ियाँ वापस ले लीजिए क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। ये देखकर विराट शिवांगी को रोककर उस चूड़ी वाली से बोलता है, हमारे पास पैसे नहीं है पर कल शिवांगी का व्रत है, आप प्लीज ये चूड़ियाँ मेरी बीवी को दे दीजिए, इसके बदले आप हमसे जो बोलेंगी हम वो करेंगे। तो फिर एक काम करो बेटा, मैं जब तक अपनी बीमार बहू को घर पर देख कर आती हूँ तब तक तुम दोनों मेरी चूड़ी की दुकान संभाल लो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान भी नहीं होगा। दोनों चूड़ी वाली की बात मान लेते हैं और चूड़ी वाली वहाँ से अपनी बहू को देखने के लिए घर चली जाती है। उसके जाते ही दोनों मिलकर चूड़ियाँ बेचने लगते हैं। कुछ देर बाद में चूड़ी वाली आती है और विराट पूरी ईमानदारी के साथ उसके पैसे उसके हाथों में थमा कर बोलता है, अम्मा जी आपकी गैर मौजूदगी में जो कमाई हुई वो ये रही, तो क्या अब हम ये चूड़ियाँ लेकर यहाँ से जाएं? अरे बेटा चले जाना पर अपनी कमाई तो लेते जाओ, ये लो कुछ पैसे रख लो, बिटिया को पूजा का और भी सामान और चीजें लेनी होंगी। और भी चीजें लेनी होंगी जैसे अम्मा जी? शिवांगी के पूछने पर चूड़ी वाली उसको पूजा की एक सामग्री की लिस्ट बनाकर देती है जिसे लेकर दोनों शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में शिवांगी की नज़र मेहंदी वाले पर जाती है और वो विराट से बोलती है, विराट वो देखो मेहंदी वाला, याद है ना अम्मा जी ने क्या बोला था? सब याद है पर शिवांगी ये सब तो तुम अपनी नागिन शक्ति से भी कर सकती हो, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? कर तो मैं सब कुछ सकती हूँ लेकिन ये मेरा पहला करवा चौथ है, इसकी मैं अच्छी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ, अब चलो ना। ठीक है चलो मेहंदी वाले के पास चलते हैं, आखिर मेरी नागिन का ऑर्डर जो है। इतना बोलकर विराट उसको अपने साथ मेहंदी वाले के पास लेकर जाता है। मेहंदी वाला उसके हाथों में मेहंदी लगाते हुए उससे बोलता है, मैडम सर का नाम लिख दो। हाँ हाँ लिखो ना विराट। मेहंदी लगवा कर दोनों कलश और पूजा की बाकी चीजें लेकर शिव मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर दोनों शिव जी के सामने खड़े होकर बोलते हैं, हे शिव जी आज आपकी वजह से ही हमें ये शक्तियाँ मिली हैं, हमें एक दूसरे का साथ मिला है, बस हमें ऐसे ही हमेशा एक साथ रखना। इतना बोलकर दोनों शिव की पूजा करते हैं और थोड़ी देर बाद शिवांगी अपने आधे इंसानी रूप में आकर विराट को गले लगाकर उससे बोलती है, मुझसे कल तक का इंतजार नहीं हो रहा विराट, कल सब ठीक तो होगा ना, हमारी पूजा हमारा मिलन सब होगा ना? क्यों नहीं होगा, आखिर इतनी घोर तपस्या करने के बाद हमें ये राहत मिली है और तुम तो मेरे लिए कल करवा चौथ का व्रत भी कर रही हो, तो कैसे सब ठीक नहीं होगा, तुम बस शिव जी पर भरोसा रखो। विराट शिवांगी को सब ठीक होने का विश्वास दिलाता है, पर क्या कल सब ठीक होगा? क्या एक नागिन का करवा चौथ का व्रत पूरा हो पाएगा या दोनों के मिलन की रात अधूरी रह जाएगी? ये जानने के लिए देखिए अगला पार्ट नागिन का करवा चौथ। अगले दिन शिवांगी अच्छे से तैयार होकर विराट के सामने आती है और उसे तैयार देखकर विराट उससे बोलता है, सच आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इतना बोलकर वो शिवांगी को गले लगा लेता है और उससे बोलता है, शिवांगी तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, ये सब क्या है शिवांगी, तुम अपनी तबीयत तो खुद ठीक कर सकती हो। मुझे पता है विराट, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि आज के दिन मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करूंगी, आज मैं एक आम इंसान की तरह इस व्रत को पूरा करूंगी। ठीक है तुम खुद को ठीक नहीं करोगी ना, तो मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें ठीक करूंगा। जिसके बाद वो अपना नाग रूप लेता है। विराट का ये रूप देखकर शिवांगी उसे शांत करते हुए उससे बोलती है, विराट मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा है, प्लीज तुम वापस अपने इंसानी रूप में आ जाओ। शिवांगी विराट को अपनी शक्तियों से खुद को ठीक नहीं करने देती और शिवांगी के बोलने पर विराट इंसानी रूप में आकर फिर से उसे गले लगाकर उसे बोलता है, पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। अरे बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, अब चलो। कहाँ?
चूड़ी वाली अम्मा के पास, वही तो बताएंगी कि आगे क्या करना है। पर उन्होंने बताया तो था। बताया तो था, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि पूजा कैसे करनी है और ये कलश, फोटो, दिया, फूल, इन सब का क्या करना है, कहाँ रखना है, क्या खाना है, किसे चढ़ाना है, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलते हैं अम्मा के पास। इतना बोलकर शिवांगी सारा सामान लेकर उस चूड़ी वाली के पास जाती है। चूड़ी वाली उन दोनों को देखकर उनसे बोलती है, अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ अम्मा जी, वैसे मुझे ये तो पता है कि व्रत रखना है, पूजा करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयार होकर मंदिर कब जाना है और पूजा में क्या क्या करना है और ये चूड़ियाँ कब पहननी है, आप मेरी मदद कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, आओ बैठो मेरे पास। चूड़ी वाली के बोलने पर दोनों उसके पास बैठ जाते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के समय चूड़ी वाली उसकी पूजा की थाल सजा कर उससे बोलती है, देख बेटा सामने मंदिर में सारी सुहागन औरतें करवा चौथ की कथा सुनने जा रही है, तू भी वहाँ चली जा और हाँ, कथा सुनने के बाद तू सूर्य देवता को जल अर्पित कर देना। शिवांगी भी अपनी पूजा की थाल लेकर मंदिर में जाती है, पर ज्यादा भीड़ होने के कारण शिवांगी सबसे पीछे बैठ जाती है। जैसे ही पंडित करवा चौथ की कथा सुनाना शुरू करते हैं कि तभी उसे तेज बुखार होने की वजह से शिवांगी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। शिवांगी पर किसी की नजर नहीं पड़ती। पूजा खत्म होने के बाद सारी औरतें जाने लगती है तो वो शिवांगी को बेहोश देखती है, जिसके बाद ये देखकर सारी औरतें भीड़ जमा करती हैं और पंडित आकर सबसे बोलते हैं, अरे लड़की यहाँ पर बेहोश है और आप सब उसकी मदद करने के बदले भीड़ जमा करके खड़े हैं, साइड हटो और थोड़ी हवा आने दो यजमान। ये बोलकर पंडित पास रखा गंगा जल लेकर शिवांगी के मुंह पर जल की कुछ छींटे मारते हैं, जिसके बाद शिवांगी होश में आती है और होश में आते ही शिवांगी पंडित को अपने पास देखकर उनसे बोलती है, मैं बेहोश हो गई थी, मैंने कथा भी नहीं सुनी, पंडित जी अब क्या होगा, क्या मेरी पूजा अधूरी रह गई? नहीं मेरी बच्ची, पूजा विफल नहीं हुई है, अब जाओ और सूर्य देव को जल अर्पित करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक नागिन होकर ऐसे कैसे बेहोश हो सकती हूँ? अरे क्या सोच रही हो, जाओ और जाकर सूर्य देव को जल अर्पित करो, चलो चलो। शिवांगी जल्दी से उठकर मंदिर के बाहर जाकर सूर्य देव को देखकर जल अर्पित करती है और अपने नाग पति के पास जाती है, जिसके बाद उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर विराट उससे बोलता है, क्या हुआ शिवांगी, तुम उदास क्यों हो? मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था और मैं बेहोश हो गई, विराट मैं कथा भी नहीं सुन पाई। अरे कोई बात नहीं बेटी, ये निर्जला व्रत है, इसमें ऐसा अक्सर हो जाता है, कई बार लड़कियां बेहोश हो जाती है, तुम ज्यादा मत सोचो, घर जाओ और थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो शिवांगी सब ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे कुछ गलत होने का आभास क्यों हो रहा है विराट? तुम थक चुकी हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, बस इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो घर चलते हैं, घर चलकर आराम कर लेना। ये बोलकर विराट शिवांगी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ शिव मंदिर में लेके जाता है और शिवांगी को आराम करने को बोलता है। शिवांगी अपने नाग रूप में आकर मंदिर में आराम करती है। थोड़ी ही देर में रात होती है। रात होने पर विराट अपने इंसानी रूप में आकर शिवांगी को आवाज लगाते हुए बोलता है, शिवांगी कहाँ हो, देखो अपने मिलन की रात आ गई, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। विराट की आवाज़ सुनकर शिवांगी दुल्हन के रूप में तैयार होकर विराट के सामने आती है और उससे बोलती है, विराट मैं आ गई, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? पूनम की रात से भी सुंदर। इतना बोलकर दोनों शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव करने लगते हैं। शिव तांडव करने के बाद दोनों शिव को फूल और जल अर्पित करते हैं। अपने इष्ट देव की पूजा करके विराट शिवांगी के होठों को चूमने ही वाला होता है, तभी शिवांगी उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, अरे आप भूल गए, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, पहले आप अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत खुलवाओगे, उसके बाद हमारा मिलन होगा। मैं तो अपने मिलने की खुशी में भूल ही गया था कि आज तुम्हारा व्रत है और मेरे हाथों से ही पानी पीकर तुम अपना व्रत खोलोगी, तुम एक मिनट रुकना, मैं अभी तुम्हारा व्रत खुलवाता हूँ। ये बोलकर विराट अपनी शक्तियों से पानी और कुछ खाने की चीजें सामने रखता है
जिसके बाद अपने हाथों से वो शिवांगी का व्रत खुलवाता है। शिवांगी उसके हाथों से पानी पीती है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। शिवांगी जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लेती है, वैसे ही विराट को जोर से खांसी आने लगती है। उसको ऐसे बुरी तरह खांसता देखकर शिवांगी उसकी पीठ को सहलाने लगती है और वो देखती है कि विराट का पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। उसकी ये हालत देखकर शिवांगी उसके हाथों को पकड़कर उससे बोलती है, विराट ये तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? देखो आज हमारे मिलन की रात है, उठो ना मुझसे बात करो विराट। शिवांगी विराट से बात कर ही रही होती है कि विराट की आंखें बंद हो जाती है और वो जमीन पर लेट जाता है। उसकी ये हालत देखकर शिवांगी उसकी धड़कन को सुनती है पर उसे विराट की धड़कन की कोई आवाज नहीं आती और विराट नाग रूप में आ जाता है। ये देखकर शिवांगी गुस्से में आती है और जिसके बाद वो आधी नागिन और आधे इंसानी रूप में आकर भोलेनाथ से बोलती है, आज करवा चौथ था, आज मेरे और विराट के मिलन की रात थी। मैंने हर सुहागन औरत की तरह पूरी श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ ये निर्जल व्रत रखा और आपने क्या किया भोलेनाथ, मेरे विराट के प्राण छीन लिए, मुझे मेरा विराट वापस लौटाइए। आपने ऐसा क्यों किया बताइए, अपने भक्त के साथ ऐसा कौन करता है, मुझे जवाब दीजिए। शिवांगी गुस्से में आकर भोलेनाथ से अपने गुनाह के बारे में पूछने लगती है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता और वो शिव के पास जाकर जल रहा अखंड दिया अपने हाथों में लेकर शिव जी से बोलती है, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिस वजह से मेरा प्यार मेरा विराट मुझसे छिन गया, तब तक मैं भूखी प्यासी रहकर अपने हाथों पर यह अखंड जोत लिए नंगे पाँव आपकी मूर्ति की परिक्रमा करती रहूंगी। शिवांगी ये संकल्प लेकर नंगे पाँव अपने हाथों में अखंड ज्योत लेकर शिव जी की परिक्रमा करने लगती है। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और सुबह मंदिर के दरवाजे पर एक तेज रोशनी शिवांगी पर जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। आखिर वो कैसी रोशनी थी जिसका सामना एक नागिन नहीं कर पा रही थी? क्या शिवांगी का संकल्प पूरा हो पाएगा या वो हार मान जाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का अगला भाग, नागिन का करवा चौथ। कुछ देर बाद में शिवांगी अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने एक औरत को देखती है जिसने गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला को धारण किया था। साथ ही शिवजी की तरह उसने अपनी जटाओं को बांधा हुआ था। पीली साड़ी में चंदन का टीका उसके माथे पर चांद सा चमक रहा था जिसका नाम भुवंती था। उसे देखकर शिवांगी उससे बोलती है, आप कौन है माता जिसकी चमक से मैं इच्छाधारी नागिन अपनी आंखें नहीं खोल पा रही? मैं तो एक साधारण सी इंसान हूँ जो शिवजी के दिखाए मार्ग पर चलती हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ आज भेजा है। यहाँ आकर मैंने देखा कि एक नागिन कैसे अपने नाक के वियोग में तड़प रही है। पर आपको मेरे बारे में कैसे पता चला माता कि मैं एक नागिन हूँ और मैं अपने मरे हुए पति के लिए शिवजी के आगे चीख पुकार कर रही हूँ? मैंने कहा ना, मैं शिवजी के दिखाए रास्ते पर ही चलती हूँ और आज यहाँ मुझे उन्होंने ही भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। उम्मीद की किरण देखकर शिवांगी की आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगती है और वो अखंड ज्योत को शिवजी के चरणों में रखकर भुवंती के पास जाती है और उससे बोलती है, कल रात हमारे मिलन की रात थी, मैंने अपने नाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ताकि उसकी आयु लंबी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिव अपने भक्तों से उसकी खुशियाँ ऐसे छीन लेते हैं। शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, हो सकता है कि तुमसे ही कोई भूल हो गई हो। मुझसे भूल? हाँ हो सकता है, एक बार जोर दो अपने दिमाग पर। ये बोलकर शिवांगी अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे सारी बातें याद आने लगती है। तभी उसको याद आता है कि किस तरह वो मंदिर में बेहोश हो गई थी जिसकी वजह से वो करवा चौथ की कथा नहीं सुन पाई थी। ये सब याद करके शिवांगी भुवंती से बोलती है, हाँ मुझे याद आया, मैं करवा चौथ की कथा सुनने के लिए मंदिर गई थी लेकिन अचानक मैं बेहोश हो गई। क्या इस वजह से मेरे विराट की जान चली गई? पर मैंने तो पंडित जी से कहा था और उन्होंने कहा था कि सब ठीक है, फिर कैसे?
क्या पता तुमसे कोई और भी गलती हुई हो जिस बारे में तुम्हें पता ही ना हो। मैंने तो वो सब किया था जो एक सुहागन औरत इस व्रत में करती है। पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत किया था, फिर ये सब क्यों हुआ? क्या पता शिवांगी तुमने अपना व्रत पूरा नहीं किया हो और इसलिए तुम्हारे नाक की जान गई हो। तुम मुझे बताओ तुमने अपने व्रत में कैसे और क्या किया। भुवंती के पूछने पर शिवांगी शुरू से अंत तक सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर भुवंती उससे बोलती है, शिवांगी तुमने सच्ची श्रद्धा के साथ तो ये व्रत किया, पर अधूरी जानकारी के कारण तुम्हारा ये व्रत पूरा नहीं हो सका। बिना चांद को देखे और उसको अर्घ दिए बिना ही तुमने अपना व्रत तोड़ लिया, जिसके कारण विराट की जान चली गई। मतलब मैं समझी नहीं, अब क्या मेरा विराट कभी जिंदा नहीं होगा? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? क्या मेरा सुहाग भोलेनाथ ने छीन लिया? हे माता, आपको तो भोलेनाथ ने मेरी मदद के लिए भेजा है ना, तो बताइए मैं क्या करूं? शिवांगी भुवंती के पैरों पर गिरकर अपने पति की जान मांगती है। भुवंती उसको उठाकर उसके आंसू पोंछती है और उसको अपने साथ बैठाकर करवा चौथ की पूरी कहानी सुनाकर उससे बोलती है, जो गलती साहूकार की बेटी से हुई थी वही गलती आज तुमसे हुई है, इसलिए करवा चौथ माता तुमसे नाराज है। अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा नाग जिंदा हो जाए और तुम दोनों का दोबारा मिलन हो, तो हर महीने की चौथ का व्रत रखना होगा और साथ ही पूरी विधि विधान के साथ बिना किसी गलती के। पर माता, मुझे इस व्रत की पूरी जानकारी नहीं है, तभी तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और मेरे नाग विराट की जान चली गई। जो सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव उनकी मदद जरूर करते हैं। आप मुझे बताइए मुझे कब क्या कैसे करना है, मैं सब कुछ करूंगी। अपने विराट को जिंदा करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये बोलकर शिवांगी विराट के मृत शरीर को जो नाग रूप में था उसे लेकर शिवलिंग पर रख देती है, जिसके बाद भुवंती उसको कठिन व्रत के बारे में बताती है और शिवांगी भुवंती के कहे अनुसार चौथ के सारे व्रत को विधि विधान से करती है और चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। देखते ही देखते कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ आ जाता है और शिवांगी एक बार फिर से सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत करती है। तभी वो शिवजी के मंदिर के बाहर जाकर रात को चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है, जिसके बाद वो शिव मंदिर के अंदर जाती है और भुवंती को आवाज लगाकर उससे बोलती है, माता मैंने मेरा व्रत पूरा कर लिया। शिवांगी ये बोलकर अपनी पूजा की थाल को शिवजी के पास रखती है कि विराट पीछे से आकर उसे गले लगाकर बोलता है, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, अब हमारी मिलन की रात भी पूरी होगी। विराट की आवाज सुनकर शिवांगी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो पीछे मुड़कर विराट को देखती है। विराट को अपने सामने सही सलामत देखकर शिवांगी विराट को गले लगाकर रोते हुए उससे बोलती है, तुम ठीक हो गए विराट, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा व्रत सफल हुआ। सही कहा था भुवंती माता ने, इस व्रत में बहुत शक्ति है। शिवांगी क्या हुआ, तुम किसे अपनी माता बोल रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? देखो मैं भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें नहीं पता विराट, कितने मुश्किलों के बाद तुम मुझे मिले हो। भुवंती माता कहाँ चली गई? माता, माता! तुम किसे ढूंढ रही हो शिवांगी? यहाँ हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है, भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली हूँ विराट, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम मुझे कुछ बताओगी तब मुझे कुछ पता चलेगा ना, मैं कब से देख रहा हूँ, तुम पता नहीं यहाँ वहाँ किसे आवाज लगा कर ढूंढ रही हो। विराट के पूछने पर शिवांगी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर विराट उससे बोलता है, इतना सब हो गया और मुझे कुछ याद ही नहीं, और वो औरत? मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैं बस उन्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, आज उन्हीं की वजह से हम साथ में हैं। हो सकता है कि वो जिस मकसद से आई थी उनका वो मकसद पूरा हो गया हो, और वैसे भी तुमने ही तो बोला था कि वो भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थी, तो हो सकता है कि अब वो किसी और की मदद करने गई हो। शायद तुम ठीक बोल रहे हो। ये बोलकर शिवांगी और विराट शिवजी के सामने खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर उनका ध्यान करते हैं। तभी शिवांगी के ध्यान में भुवंती आती है और उसके पीछे से तेज रोशनी की वजह से शिवांगी उसका चेहरा नहीं देख पाती। शिवांगी अपने ध्यान में भुवंती से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी भुवंती अपने असली रूप यानी शिवजी के रूप में उसे नजर आती है।
जिसे देखकर शिवजी उससे बोलते हैं, मैं कभी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं होने देता शिवांगी। ये बोलकर शिवजी गायब हो जाते हैं और शिवांगी अपनी आंखें खोलकर बोलती है, मुझे पता था भोलेनाथ कि आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और अपने सच्चे भक्तों की मदद भी करते हैं। विराट, मुझे पता चल गया वो माता कौन थी। कौन? वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ थे, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे, उसकी मदद के लिए आए थे। विराट, अब मैं सारा सच जान चुकी हूँ और मैं हर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को करवा चौथ का व्रत किया करूँगी। अब हमें अपने नागलोक चलना चाहिए। तुम सही बोल रही हो। जय भोलेनाथ। जिसके बाद दोनों अपना नाग रूप लेकर नागलोक में चले जाते हैं, जहाँ सभी नागवासी उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद चांदनी रात में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। अब शिवांगी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया करती और विराट अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाकर उसके व्रत को पूरा किया करता।